एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज का ब्लॉग है दिवाली से रिलेटेड, कि दिवाली पे कैसे क्या, और जो मैं ड्रेस वेयर करने वाली हूँ वो मैंने कहाँ से बनवाई है रेडीमेड ली, वो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको मिलेगा। तो ब्लॉग में और क्या क्या, मतलब ब्लाउज़ की कुछ डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो होपफुली ब्लॉग आप सभी को पसंद आता तो मेक श्योर जो चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मुझे सपोर्ट करें। तो बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और किस टाइप के ब्लॉग देखने वो भी बताइएगा। मैं बार बार आपसे ये चीज़ बोलती हूँ, तो प्लीज़ इस बात को मेरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए किस टाइप के ब्लॉग, मेरे ब्लॉग आप सभी को कैसे लगते हैं। तो आप ब्लॉग इंजॉय करें, बाय बाय। यस, तो ये मेरा वही आउटफिट है जो मैं दिवाली पे पहनने वाली हूँ। तो ये उस तरीके से कुछ प्लेन साड़ी है, और इसको मैं बनवाऊँगी रेडी टू वेयर वाली साड़ी, जो बस आप इजीली वेयर कर लो, ना प्लेट्स लगाना है ना कुछ लगाना है। तो एक ये है और एक ये ब्लाउज़ बनेगा, नए टेलर हैं, देखते हैं कैसा उनका काम है। बहुत अच्छा काम बता तो रहे थे, पर बनवाने पर पता चलेगा। और एक ये ब्लाउज़ है, पहले सोचे थे स्टिच करेंगे खुद से, बट अभी ये है कि साड़ी का ब्लाउज है तो ख़राब हो जाएगा, तो इसको स्टिच करा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट किसी अच्छी चीज़ पर नहीं करना चाहिए। तो ये ब्लाउज बन जाएगा, देखते कब पहनना होगा। तो ये रहा मेरा दिवाली का कपड़ा, तो चलते इसको डाल देते हैं टेलर के यहाँ। हेलो, ये रहा खुशी का कपड़ा जो खुशी का बनने वाला, और इधर मेरा कपड़ा, तो चलो सारा टेलर के यहाँ डाल देते हैं और मिलते हैं टेलर के यहाँ आपसे। तो चलते हैं टेलर के यहाँ, इसको डाल देते हैं, देखते कैसा स्टिच होता है। फर्स्ट टाइम मैं टेलर वाले भैया से कपड़ा सिलवा रही हूँ, देखती हूँ कैसा ये बना के देते हैं ना। तो मिलते हैं डायरेक्ट टेलर वाले भैया के पास। इतनी चूड़ी है, इतनी चूड़ी का स्टॉल है, आधा लगा हुआ है, आधा उस कमरे के रैक में। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ, कहाँ से शुरू करूँ। आधा डिब्बा ऊपर चढ़ चुका है दो तीन, और अभी पूरे बिखरा बिखरा पड़ा है। जो जिस डिब्बे को खोल दो सिर्फ उसमें चूड़ी चूड़ी है, देख लीजिए जिस डिब्बे को आप खोल दो सिर्फ चूड़ियाँ भरेंगी। और मैं कहाँ रखूँ, मुझे खुद, मैं बोल रही हूँ मेरा एक कमरा बनवा दो अलग से, मैं सारा अपना सामान अपना सेट कर लूँ। पर ऐसा होने से, तो ये गवर्नमेंट रूम है, दो ही कमरे हैं, उसी में सब एडजस्ट करना, फैमिली कैसे करूँ, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा बिल्कुल। चूड़ों के 5 to 6 न्यू कलेक्शन मेरे पास हैं, अगर आप सब बोलते हो तो मैं शेयर करती हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट टाइप की चूड़ियाँ भी हैं, आप कमेंट करेंगे तो। ये रही टेलर वाले भैया की न्यू शॉप, और ये हम लोग के कपड़े रहे जो दिवाली में हम लोग को डिज़ाइन करके देने वाले हैं, और प्राइस वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो मैं इनकी शॉप का पूरा डिटेल शेयर करूंगी, मैं इनके कपड़े पहन के ट्राई कर लूँ, फिटिंग वगैरह डिज़ाइन वगैरह सब कुछ देख लूँगी, फिर आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और आप जा कर के स्टिच करवा लें, और प्राइस भी काफ़ी कम लेते हैं। तो आपने देखा कि टेलर के यहाँ से मैंने पूरा सामान डाल दिया, और सब कुछ वो सिल करके अच्छे से मुझे दे देंगे। इसके बाद आई हूँ मैं, तब से सफाई में लगी हुई हूँ, अभी सफाई कंप्लीट। सफाई क्या यार, सफाई नहीं कर पाऊँगी, बहुत थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में जाना भी रहता है। तो अभी आज ये स्टोर मैंने पूरा कवर किया चूड़ियों वाला, यहाँ खुशी सारी चूड़ी सेट कर देंगी और मुझे ऊपर पकड़ाएंगी, तो मैं ऊपर देखिए टाँड बना हुआ, उस पर चूड़ियों का ही सिर्फ रहता रैक, क्योंकि जगह ही नहीं गवर्नमेंट रूम में, ऐसे ही पूरा एडजस्ट करना पड़ता है। तो पूरी चूड़ियाँ सेट कर दूँगी, और दिवाली आते ही ना हालत एकदम ख़राब हो जाती काम करते करते। डे सेकेंड, और आज सेकेंड डे में मैं अपना वार्डरोब ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हौच पौच कपड़ा भरा हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का कपड़ा है, बीच बीच में मैं भी अपना रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों की तो कोई सीमा ही नहीं है। एंड इसको मैं धीरे धीरे देख रही थी कैसे मैं सेट कर पाऊँगी, बट अभी आप देखना बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको जमा दिया था। एंड और आपने देखा होगा इससे पहले वाली क्लिप में मैंने अपनी पूरी बैंगल का स्टोर जो था वो मैंने ठीक किया था। तो एक एक दिन करके एक एक चीज़ें करती रहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब का भी देखना और बाहर भी जाना होता ना, इस वजह से सफाई कर कर के हो गया बुरा हाल। तो आपने देखा थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रही हूँ, इस कमरे का हो गया था पूरा चूड़ी वाला रैक हो गया था, उधर अलमीरा का भी हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको बैग, उधर अलमीरा का भी हो गया है, बस ये कर्टन बचे हैं उतारने के लिए। एंड ये देखिए ये पूरा यहाँ कपड़ों का भंडार लगा हुआ, क्योंकि ये प्रेस होके कपड़े आए हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ वार्डरोब को भी क्लीन कर दिया जाए। तो ये है मेरी वार्डरोब, वो मेरी अलमीरा है मतलब ये वाली, और ये इसमें तीन लोगों के कपड़े हैं जो कि आ नहीं पाते हैं, और उस कमरे में भी एक वार्डरोब बना हुआ छोटे ले रूम में, तो वहाँ पे भी सेट होते हैं। बाकी इस अटैची में भी मेरे कपड़े हैं, इतने कपड़े, और उधर बक्सा दिख रहा है उसमें भी मेरे ही कपड़े हैं, तो इतने कपड़े हैं। ये देख लीजिए पूरा कपड़ा कपड़ा भरा है, कैसे इसको समेटूँगी मुझे खुद नहीं पता है। चलो थोड़ा सा कर लेती हूँ फटाफट से क्लीन, बाय बाय। हाँ, धुआ की मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे करना था लड्डू का पूजा करना था, और लड्डू का खाने का भोग लगता है, तो बिना नहाए खाना बन नहीं सकता, तो मैंने नहा धुआ लिया था। और मेरी वार्डरोब आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी सेट हो चुकी है, ये देखिए
पूरे कपड़े अच्छे से इसमें मैंने जमा दिए। मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से ऊपर तक पूरा मैंने जमा दिया अच्छे से कपड़ा। सो दोस्तों, काम करते करते मैं गई थक चढ़ के इसके ऊपर बैठ गई, क्योंकि कर्टन इसी के ऊपर चढ़ के निकलता है या तो उधर से मेज ला के निकालना पड़ता है, तो मेज लाने की तो जगह नहीं, पूरा बेड भरा हुआ दिखा हो जाए नीचे पूरा बेड, ये सामान चद्दर चढ़ दी ताकि सामान ना गंदा हो जो इसके ऊपर था अटैची वगैरह, तो इसी वजह से मैं इसको चढ़कर बैठ गई। मेज भी पूरी फुल है देख लीजिए उधर, तो अभी फिलहाल तो मैं कर्टन निकाल दूँ। घर की ऐसी हालत देख के लगता है कि मेरा घर है ही नहीं, किसी और के घर में मैं आ गई हूँ, क्योंकि सरकारी कमरे का यही हाल हो जाता है, जब तक आप सेट करके रखो तभी तक अच्छा लगता है, अदरवाइज़ वो बिखरा हुआ हो जाता तो बहुत बेकार लगता है। छोटी सी जगह को सेटल करके रखना बहुत बड़ी बात है, तो आप देख लीजिए है एक रूम पर आपको हर एक चीज़ अपने परफेक्ट जगह पर मिलेगी, एंड जब घर सेटल लगता है बिल्कुल तो लोग जान ही नहीं पाते कि मतलब ये सरकारी है कैसे, इतना ज़्यादा मैंने इसको सजा रखा है। जिसने होम टूर नहीं देखा तो जा करके देख ले मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैंने पिछली दिवाली पर होम टूर अपना किया तो जाके देख लो, लिंक मैं डाल दूँगी तो आप लिंक से आपको ईजी हो जाएगा, है ना। और पुराने घर नया दीपावली में नए गुल गुल करते हैं एक गद्दे पे साई साई पापा, एक गद्दे पे जय और जय पापा ना, है ना। हाँ, और घर में कोई और निधि लेटे ही दूसरे वाले कमरे में, क्यों निधि? हम लोगों का कोई पुराना कमरा नहीं, तुम्हारा तो खैर आगे वाला मेरा पीछे वाला कमरा है, ये उल्टा इन्होंने बोला है। आदेश मेरे ब्लॉग के लिए कुछ भी बोलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इसके बोलने का एक तरीका अलग है, लोग बोलने में घबराते शरमाते पर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। सो फैमिली, हम सब आ जाते हैं कपड़ा कोठी, क्योंकि कपड़ा कोठी में मुझे क्या लेना है वो आगे आप ब्लॉग में देखिएगा। तो यहाँ पे मुझे और आदेश को दोनों को लेना था, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी होती कि हम भाई बहन साथ में मिलके करते हैं, तो आप बैठने के और देखने की स्टाइल समझ गए होंगे कि हम क्या लेने आए हैं। गद्दा मेरा और आदेश का दोनों लोग का लेना था, मैंने सोचा दिवाली से अच्छा क्या होगा ले लिया जाए, तो मैं कौन सा लेती कौन सा पालन करती हूँ वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये है हमारी छोटी भाभी, बहुत लोग को पता, जिनको नहीं पता जो नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, छोटी भाभी हैं। तो ये गद्दे पे बैठ बैठ के चेक कर रही थी कि कौन सा गद्दा अच्छा कौन सा गद्दा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बस वही चीज़ आज ने ये वाला गद्दा फाइनल किया। अभी तक तो फिलहाल यही पसंद आया है, क्योंकि ये मीडियम में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, दोनों देख लो, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बाद में दिक्कत करेगा, इस वजह से ये नहीं ले रहा है। हटो बेटा, हटो बाबू, हमें तो ये भी सही लग रहा है, मुझे भी ये अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा गुलगुल लग रहा है। दो पड़े उसमें एक है तो 5 इंची का, वो भी 5 इंची का, ये भी और पड़ा है ना। आप पे गद्दा लेने आए हैं कपड़ा कोठी में, आपने देख लिया है कौन सा गद्दा फाइनल कर दिया वो भी हम लोग बता दे, यहाँ पे देखा है। कपड़ा कोठी की जो सर्विस है वो मुझे 1 क्लास की लगी, उसका रीज़न ये है कि ऑनर उठ के खुद आते हैं कस्टमर तक, जबकि उनके वर्कर लगे हुए लेकिन वो फिर भी राउंड टू राउंड देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड यहाँ पे आदेश ने कर दिया है पेमेंट, क्या प्राइस है? 6,000 जो लिखा हुआ है, ब्लू के साथ मुझे लगाना है, ब्लू के साथ कौन सा अच्छा लगेगा। गद्दे के साथ मैंने यहाँ पे अपने बेड के जो कुशंस में लगाती हूँ तो उनकी भी मैं कवर्स देख रही थी, तो मैंने जो कवर लिया है वो आपको दिवाली की ब्लॉग में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा गद्दा आ जाता है, जो मैंने गद्दा बुक कर दिया था उसके साथ 2 मैंने तकिया भी बुक की थी, कि भाई तकिया भी साथ में, नया गद्दा नया तकिया होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों फटाफट से आ जाते हैं। और घर पर कोई नहीं था जो मेरी हेल्प कर सके, तो यहाँ पर मैं खुद ही मतलब लेने गई थी, क्योंकि जो भैया लेकर आए थे गद्दा तो उनको अकेले ना ला पाते, तो इस वजह से मुझे साथ में लगना पड़ा। तो यहाँ पे मेरा फाइनली गद्दा आ गया, और आपको जानना है किस ब्रांड का है तो आप बताइएगा, मैं कमेंट बता दूंगी। और कपड़ा कोठी में वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत मतलब ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत कंफर्टेबल, हर चीज़ को देख के सोच समझ के मैंने गद्दे को बाय किया है। तो बस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और जो कुछ भी अगर मतलब पूछना है या रिक्वायरमेंट तो वो भी आप